किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है, यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं, अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी ऊष्मा का तप सक्रिय रहता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब किसी राष्ट्र की धुरी रड़खड़ाई है, युवा शक्ति ने आगे आकर अपने पुरुषार्थ से उसे सुदृढ़ बनाया है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं, जैसे नशा, फैशन परस्ती, पाश्चात्य जीवन शैली, आस्था संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, देश की युवा शक्ति पर आरूढ़ हैं। आज युवा शक्ति को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युवा की अद्भुत परिभाषा दी है। युवा वो है असंभव जिसके शब्द कोश में नहीं, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह, जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। असमंजस व अवसाद की स्थिति से गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। आई एम इंडीड डिलाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड कॉन्वोकेशन ऑफ देव संस्कृति विश्वविद्यालय। आई एम वेरी हैप्पी that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new visitas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है। ये प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियाँ चलाई जा सके, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो। दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सत्युग की वापसी इसका परम उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारत वर्ष को
वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो इस मंत्र के साथ। इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा, साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। ज्ञानसभा के इस 63वें संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक बार कमर सीधी कर लें और हम लोग गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का ज्ञान सभा का जो ये संस्करण है ये यम और नचिकेता के संवाद के ऊपर आधारित है। उपनिषदों को भारतीय ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, जो भारतीय अध्यात्म की नींव है और इसका प्राण है। भारत का संपूर्ण अध्यात्म उपनिषदों में ही संग्रहित है। इसमें अद्वैत की जो अवधारणा है उसका ही विशेष रूप से प्रतिपादन हुआ है। उपनिषदों का आधार भी वेद ही हैं, जो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। बहुत से उपनिषद हैं जिनमें 11 उपनिषदों को प्रमुख माना जाता है। तो आज का जो हमारा संवाद है यम और नचिकेता का, वो कठोपनिषद में आया है। और कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत है, जिसमें यम और नचिकेता के संवाद के रूप में स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या और मोक्ष के लिए ब्रह्म विद्या का मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ है। भारत में अध्यात्म ज्ञान के उपदेश की एक प्रचलित विधि ये रही है कि इससे इस ज्ञान को कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से दिखाया जाता है और कहीं भी सीधा उपदेश नहीं हुआ है। जैसे जनक अष्टावक्र का संवाद है या कृष्ण अर्जुन का संवाद है, यम नचिकेता का संवाद है, योग वशिष्ठ में राम और वशिष्ठ का संवाद है, महाभारत आदि में भी इसी विधि का उपयोग हुआ है। कठोपनिषद का भी जो आरंभ है वो पिता पुत्र के संवाद से आरंभ होता है, जैसा कि हम आज देखेंगे। और इस विशेष विषय को प्रतिपादित करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल झा साहब हैं, वो एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के एक एक्सपोनेंट हैं। तो डॉक्टर साहब, बिना आगे समय लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। और मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि इस गूढ़ विषय को हम न केवल सुने बल्कि बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इसको समझने का भी प्रयास करें, क्योंकि इसमें जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आत्मीय विजय महोदय नमस्ते। भवान मम परिचय विस्तरेण दत्वान तदर्थम धन्यवादाः। अस्मिन् प्रतिष्ठित ज्ञान सभायां माम आहूय मह्यम एकः अवसरः दत्तमस्ति, तदर्थम दिया मुंबई प्रति आदरपूर्वकं कृतज्ञता ज्ञापयामि। अद्य तु विषयः अतिरुचिकरः। आरभामि
प्रथमं गुरु सत्तायै नमः, आदिशक्ति युग शक्ति मां गायत्र्यै नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः, कर्वद्वा सर्वान् जनान् नमस्करोमि, सर्वेषां अस्मिन् सभायां स्वागतम् अस्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, जैसा विजय भैया ने बताया कि यह कठोपनिषद के बैकग्राउंड में यम नचिकेत संवाद है, डायलॉग विद द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर अनअवेयर ऑफ दिस कथा, ऑफ दिस सब्जेक्ट, उनके लिए शॉर्ट में इस स्टोरी के बारे में, इस कथा के बारे में मैं उस पर एक नजर डालेंगे। नचिकेता जो है वो उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं, और उद्दालक ऋषि जो है वो महर्षि अरुण के पुत्र हैं, जो गौतम वंशीय हैं। उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ की विशेषता ये है कि इस यज्ञ के उपरांत अपना सर्वस्व दान करना पड़ता है। वैदिक काल में धन का तात्पर्य गौ धन से होता था, गायों से होता था। तो गौओं का दान प्रारंभ हुआ, विश्वजीत यज्ञ हुआ, फायर सेक्रीफाइस हुआ, यज्ञ हुआ, उसके उपरांत सर्वस्व दान की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु जब दान के नाम पर बूढ़ी, अपंग, जीर्ण, दुग्धविहीन, मरणासन्न वैसी गायों का जब दान दिया जाने लगा, तब तो नचिकेता को यह उचित मिला। यह तो बेईमानी है, यह तो डिसऑनेस्टी है, उन्हें मन में ऐसा खटका। उन्हें अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य का भी ध्यान आया कि मेरे पिता इस अधर्म किए जा रहे हैं, ये पाप किए जा रहे हैं, उसे रोकना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य। तो सब कुछ वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी, सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ दान करना, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? कस्मै माम दास्यति इति, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा तो पिताजी थोड़े इरिटेट हो गए, एनॉयड हो गए, झल्ला गए, खींच कर उन्होंने कह दिया, मृत्युए त्वाम ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। अनपेक्षित आदेश सुनकर कोई भी सहन रह जाए, परंतु नचिकेता यद्यपि छोटी उम्र के हैं, इज प्रॉब्ली इन हिज प्री टीन एज, 10-12 वर्ष के होंगे, लेकिन वो बहुत विवेकी है। वो उन्होंने कहा कि पिता ने आदेश दिया है, मृत्युए त्वाम ददामि इति, तो मृत्यु के पास जाना मेरा कर्तव्य बनता है। उनका आदेश शिरोधार्य करते हुए वो यमलोक जाते हैं। कथा ऐसी कहती है कि जब वो यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज, भगवान यमराज का दरवाजा बंद है, घर में है नहीं, वो व्यस्त हैं। जैसे आजकल कोरोना काल में थोड़े दिन के लिए यमराज व्यस्त हो गए थे, वैसे ही शायद किसी कारणवश व्यस्त रहे होंगे। तो कथा ऐसी कहती है कि 3 दिनों तक बालक नचिकेत यम के दरवाजे पर बिना खाए पिए 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। यमराज जब 3 दिन के पश्चात वापस लौटे तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ, और उन्होंने बालक नचिकेता का अतिथि संस्कार किया, ब्राह्मण पूजन किया। उन्हें दुख हुआ कि एक ब्राह्मण का बच्चा मेरे घर पे 3 दिन से भूखा पैसा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस अनजाने में हुए दोष से निवृत्ति के लिए उन्होंने नचिकेत को कहा कि आप मुझसे 3 दिन आप भूखे प्यासे रहे, इसलिए आप 3 वर मुझसे मांग लीजिए, 3 वरदान। आई एम ऑफरिंग यू 3 boons, आप 3 वरदान मांग लीजिए। तो कथा ऐसी कहती है कि पहला वर उन्होंने मांगा कि मेरे पिता, मैं जब वापस लौटूं तो मेरे पिता शांत हो जाएं, संतुष्ट हों, उनका मुझ पर जो क्रोध है वो कम हो जाए, और मुझ पर जैसे पहले वात्सल्य भाव था उनका, वैसे ही पुनः वात्सल्य भाव बने। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् प्रथमम वरम वृणे, मेरा ये प्रथम वर। यमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है। दूसरा वर ये है कि हे मृत्यु, हे लॉर्ड ऑफ डेथ, त्वम स्वर्ग्यम अग्निम अध्येशी, आप स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि, उसके बारे में आप जानते हैं। मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि, मुझ श्रद्धालु को, मुझे भी उस स्वर्गदायिनी अग्नि में विश्वास है, मुझमें भी उसके प्रति श्रद्धा है, तो उस मुझ श्रद्धालु को आप अग्नि विज्ञान के बारे में बताइए, यानी यज्ञ का ज्ञान विज्ञान।
तब यमराज ने कहा तथास्तु, और उन्होंने ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ यज्ञ का विज्ञान और ज्ञान इन डिटेल टू नचिकेता। जब सारा उन्होंने यज्ञ का ज्ञान विज्ञान बता दिया नचिकेता को, तो यमराज ने सोचा एक बार पूछ तो लूँ इसने कितना समझा है, क्योंकि बच्चा है नहीं भी समझाओ। लेकिन उन्होंने जब पूछा तब नचिकेता ने अक्षरशः ही वर्बेटिम टोल्ड व्हाट एवर लॉर्ड यमराज हैड टोल्ड हिम। तो लॉर्ड यमराज वॉज लॉर्ड ऑफ डेथ वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित हुए, ये बच्चा तो बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने कहा कि एक और एक्स्ट्रा वरदान मैं तुम्हें ये देता हूँ कि आज से ये यज्ञ की अग्नि जो है नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वर में नचिकेत इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा कि यू आर लॉर्ड ऑफ डेथ, आप तो मृत्यु के देवता हैं, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन, हु कैन बी बेटर देन यू टू टेल मी अबाउट डेथ, हाउ टू एस्केप डेथ, मरणोत्तर जीवन, आत्मज्ञान, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति, इसके बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है, मोक्ष के उपाय, मृत्यु मुक्ति के उपाय, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ, ब्रह्म के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूँ, ये आप ज्ञान मुझे दीजिए। तो लॉर्ड ऑफ डेथ वॉज टेकन अबैक, ये छोटा बच्चा ये मुझसे क्या मांग रहा है। उसने बोला बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें और कुछ दूसरी चीज मांग लो, ये मांग के ये जान के तुम क्या करोगे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। उन्होंने उन्हें डिसुएड करने की कोशिश की, हतोत्साहित करने की कोशिश की, उन्होंने अनेक प्रलोभन दिए, मैं तुम्हें बड़ा साम्राज्य दे देता हूँ, इच्छा मृत्यु देता हूँ, गौवें देता हूँ, स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, आप कभी बूढ़े नहीं होगे ऐसा वरदान देता हूँ, अनेक बेटे पोते नाती नातिन देता हूँ, अनेक अप्सराएं देता हूँ, आप जो मांगो वो मैं देता हूँ। सारे ही गेव ऑल एल्योरमेंट्स एंड ट्राई टू डिसुएड नचिकेता फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन नचिकेता वॉटल रहे, वो अपने उससे डिगे नहीं। तब यम वॉज फोर्स टू यू नो टेल हिम अबाउट आत्मतत्व, ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति के उपाय, मरणोत्तर जीवन कैसा होता है, इस सब के बारे में उन्होंने डिटेल में समझाना शुरू किया। देखिए नचिकेता क्या है, ही इज वेरी स्मार्ट। तीनों वरदानों में उन्होंने तीनों चीज मांग ली, लौकिक सुख मांग लिया, मैं पुनः जीवित हो जाऊं इसका वरदान मांग लिया, दूसरा उन्होंने संसार के सुख के लिए एक स्वर्गदायिनी अग्नि का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, और तीसरा स्वयं के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और उसके द्वारा हमको भी इसका बेनिफिट मिल गया, कठोपनिषद के माध्यम से हम सभी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। नचिकेता क्या है, ही इज बेसिकली आई वुड कॉल हिम अ यूथ आइकॉन, एक युवाओं के लिए आदर्श, दो ही इज इन हिज प्री टीन्स, ही इज एन आइडियल यूथ, अ यूथ वर्थ एमुलेटिंग, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य हैं, जैसे हमारे सभी युवा स्वातंत्र सेनानी हैं, वैसे ही नचिकेता इज अ यूथ आइकॉन। वो क्या है, उनकी विशेषताएं आप देखिए, हमको उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वे क्या है, प्रामाणिक है, ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, ही इज अपराइट, स्पष्टवादी, फोर्थराइट, ही इज ट्रू, वो सत्य को पकड़ के चलते। अपने पिता की बेईमानी पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने पिता को कह दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से अपने पिता के सामने रख दी, सही तर्क सम्मत बात स्पष्टता से रखने का साहस हम सभी में होना चाहिए। और दूसरी बात कि जॉइंट फैमिलीज में हमेशा वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच में घर्षण रहता है, देयर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, तो वी मस्ट लर्न टू पुट आवर तर्क सम्मत आर्ग्यूमेंट्स फॉर्मली विदाउट एनी मैलिस, कोई किसी प्रकार का अनादर भाव रखे बिना अगर हम अपने तर्क सम्मत आर्ग्यूमेंट्स रख सकें अपने वरिष्ठों के समक्ष बिना किसी अपमान किए हुए, बिना किसी देश भाव के और बिना किसी अहंकार के, दैट इज वॉट वी
यूथ मस्ट लर्न फ्रॉम नचिकेता. दूसरी बात, नचिकेता का एटीट्यूड, ही इज वेरी पॉजिटिव. उनका बहुत ही सही दृष्टिकोण है. जब वो पिता ने उन्हें कहा मृत्युए त्वाम ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तो यह सुनकर तो कोई भी बेटा अपने बाप को जल्ला नहीं समझेगा. लेकिन नचिकेता का दृष्टिकोण देखिए, उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि शायद मृत्युदेव का इसमें कुछ कुछ सद्धा हो, कुछ प्रयोजन सद्धा हो. दूसरा, जब क्रोधावेश में पिता ने तो कह दिया कि मृत्युए त्वाम ददामि, लेकिन उन्हें पिता को पश्चाताप हुआ. तब वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि पुत्र का कर्तव्य अपने पिता की के आदेश को फॉलो करना, तो इसलिए मैं मृत्यु के पास जाऊंगा. देखिए, दे द ग्रेट पीपल, यू नो, दे टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी. भगवान राम को भी जब वनवास हुआ, तब माता कैकेयी को लगा कि शायद राम उसे दुखी होंगे, तो राम को समझाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए उनके कक्ष में गए माँ कौशल्या. जब अपने राम के भगवान राम के कक्ष में जाती हैं, तो पाती हैं कि भगवान राम तो वैसे ही मुस्करा रहे हैं, खुश हैं, उन पर कोई चिंता के कोई लकीर नहीं है. स्मित मुख से उन्होंने माँ को प्रणाम किया, पूछा माँ कैसे आना हुआ. तो बेटा, तुम्हें तो वनवास हुआ है. तो बोला कि हाँ, तो कितनी अच्छी बात है, अयोध्या का राज्य तो कितना छोटा है, और पिता दीन मोहे कानन राजू, सारे के सारे जंगल का मुझे साम्राज्य दे दिया. जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ पर मेरे सारे काम सफल होंगे. तो ये दिस मेक्स पीपल ग्रेट. द एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड, दे टर्न एडवर्स सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी. जब पिता, नचिकेता के पिता उद्दालक पश्चाताप कर रहे हैं, तब नचिकेत अपने पिता के पास जाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं और मृत्यु के पास जाने की अनुमति मांगते हैं. सी, इन दोज डेज पीपल, इन वैदिक टाइम्स, पीपल वेर वेरी ट्रू टू देयर वर्ड्स एंड दे यूज टू टेक देयर वर्ड्स लिटरली. वो नाप जोक के कुछ भी बोलते थे एंड देयर वर्ड्स कैरिड वेट, कैरिड वैल्यू. आजकल ऐसा कोई संजोग बना होता तो पिता ने कह दिया, अरे यार मजाक में कह दिया तुमने, छोड़, ऐसे ही कह दिया. लेकिन नहीं, इन वैदिक टाइम्स वर्ड्स कैरिड वेट. एक बार आदेश दे दिया, मतलब उसका पालन करना पुत्र का कर्तव्य. एंड नचिकेता एक्सेप्टेड इट. एक्सेप्टेंस इज अ बिग वर्च्यू. देर आर सेवरल थिंग्स इन लाइफ विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एंड इफ यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, it helps you a lot. जब राम भगवान का वनवास हुआ और दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, तब भरत कैकेयी प्रदेश से अयोध्या लौटे, बहुत शोकाकुल है, दुखी है. तो महर्षि वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं, पुनः भरत भावी प्रबल, डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज. भावी जो है वो प्रबल, प्रारब्ध जो है वो बहुत प्रबल होता है. विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि पाए. ये कुछ ऐसी चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि पाए. आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं विच इज बियॉन्ड, विच यू हैव टू एक्सेप्ट. अगर इसने कहा है ना, यदि हमारी इच्छा पूर्ण हो तो हमारी इच्छा बहुत अच्छी बात है, यदि हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तो हरी इच्छा, वो तो हरी इच्छा ही नहीं, और भी अच्छी बात है. सो वी हैव टू हैव दिस वर्च्यू ऑफ एक्सेप्टेंस. वी हैव टू हैव दिस वर्च्यू ऑफ एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूदर लाइफ. सो नचिकेता के मन में अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी बदले की भावना नहीं है, बिल्कुल भी गलत भाव नहीं है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं. उन्होंने यही मांगा ना, शांत संकल्प सुमना यथा से. तीसरी जो बात नचिकेता के से हमें सीखनी है वो है परसिवियरेंस, धैर्य, धृति, जिसे कहते हैं धीरज. ये बहुत ही आवश्यक सद्गुण है. भगवान लॉर्ड यम द्वार पर नचिकेत 3 दिन तक भूखे प्यासे धीरज के साथ बैठे थे. यम लौटेंगे तो मैं उनसे बातचीत करूँ. 3 दिन तक
so that the virtue of never giving up. Abraham Lincoln के बारे में आपने देखा है ना, हर चुनाव हार गए लेकिन प्रेसिडेंशियल चुनाव जीत गए. तो यू यू नेवर गिव अप एंड यू शुड नॉट हैव उतावलापन. भाई ये आज तीन दिन, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, खाया पिया नहीं, चलो वापस लौटते हैं. नॉट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. भगवान व्यास ने महाभारत में लिखा है धर्म के दस लक्षण बताए, उसमें सबसे पहला लक्षण बताया प्रीति, धैर्य, धीरज. प्रीति क्षमा दमह अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम ही विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम. ये 10 लक्षण है तो हम सभी युवाओं को अपने जीवन में उतारना है, जिसमें सबसे पहला लक्षण है प्रीति, धैर्य. आजकल के हमें नौकरी मिलती है, दूसरे दिन हमें पे हाइक होना चाहिए, तीसरे दिन हमारा प्रमोशन होना चाहिए, और चौथे दिन हमारे पास बंगला होना चाहिए, पांचवें दिन गाड़ी होनी चाहिए, और छठे दिन फॉरेन टूर करना चाहिए. ये हमारे में उतावलापन है. वी डोंट हैव दैट पेशेंस टू गो स्लो, टू गो स्लो. सो दैट पेशेंस इज अ वर्च्यू. एंड व्हेन यू डोंट हैव दैट पेशेंस यू फील फ्रस्ट्रेटेड. एंड व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेस कम्स अलोंग. सो कहने का मतलब ये है कि नचिकेता से ये जो तीसरा जो गुण है वो सीखने जैसा है, क्या? प्रीति. चौथी बात जो है नचिकेता के संबंध में वो है ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. मृत्यु के पास जाकर कोई वापस आता है क्या? नचिकेता गए और उन्होंने जो पहला वर मांगा उसमें इनहेरेंट बोन था कि ही ऑल्सो शुड बिकम अलाइव. उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जब वापस लौटूं तब मेरे पिता मुझसे अच्छी तरह से मिले, मेरे प्रति वही वात्सल्य भाव हो, तो वही पुत्र भाव हो मैं जब वापस पृथ्वी पर लौटूं. तो ही आस्क्ड फॉर हिज लाइफ ऑल्सो. नहीं तो मृत्यु के पास जाने के बाद कौन वापस आता है? वैसे ही एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा कि दो मित्र थे, उनको किसी कारणवश राजा ने मृत्यु दंड दिया. जब मृत्यु दंड दिया तो अंतिम इच्छा पूछते हैं मृत्यु दंड देने के पहले. तब पहले मित्र को पूछा गया कि भाई तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है. तो उसने कहा कि मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ. इफ यू नो वायलिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू लर्न, मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू लर्न. 14 से 15 साल लगते हैं वायलिन को सीखने में. तो लेकिन अंतिम इच्छा थी इसलिए राजा ने कहा ठीक है उसको वायलिन सीखने दो. दूसरे मित्र को पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने ये कहा कि मैं जो ये मित्र है जो वायलिन सीखना चाहता है, जब वो सीख ले वायलिन उसके बाद मैं उससे वायलिन सीखूं. तो वो 14 साल वो सीखेगा, उसके बाद 14 साल वो सीखेगा, तो 15, 28, 30 साल का मोहलत मिल गई. सो दिस इज इंटेलिजेंस. नचिकेता इज वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है. पांचवा जो गुण है नचिकेता का, वो ही इज अ वेरी आइडियल डिसाइपल, एक आदर्श शिष्य. की सारी अच्छाइयां, सारी खूबियां नचिकेता के अंदर. वो क्या है? बुद्धिमान तो है, विवेकी भी है, जिज्ञासु है, दृढ़ निश्चयी है, और वैराग्यवान है. इतने प्रलोभन दिए तो भी आत्मतत्व जानने की इच्छा है उनको, और निर्भीक है. यम के पास कौन जा सकता है? ही इज नॉट अफ्रेड. ईश्वर को भी ऐसे ही भक्त चाहिए. कृष्ण को जब ऐसा भक्त मिला था अर्जुन के रूप में, तब गीता का गान निकला कृष्ण के मुख से. यमराज को जब नचिकेता के समान शिष्य मिला तब उपनिषद का ज्ञान निकला. तो ही इज एन आइडियल शिष्य. गुरु का कैसा शिष्य होना चाहिए? तो दोनों ने श्रेय मांगा, श्रेय मार्ग पे कैसे चलना है. अर्जुन ने भी कहा यत श्रेय स्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम. जो श्रेय है वो आप मुझे बताइए. नचिकेता ने भी यही मांगा, आप श्रेय मार्ग बताइए, प्रेय मार्ग मुझे नहीं चाहिए. आपने जो प्रलोभन दिए उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप मुझे श्रेय मार्ग बताइए. और इतना कहने पर यम भी, ही वॉज ऑल्सो वेरी इंप्रेस्ड. यमराज ने फाइनली क्या कहा? नचिकेत स्वाद्रिक न हुयात पृष्ठा, मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य मिले,
ये मेरी इच्छा है। ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद नचिकेता। हम क्या है, हम प्रे के पीछे श्रेय भूल जाते हैं। एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा कि एक राम कथाकार, भगवान राम की कथा 9 दिन तक चलती है, उसमें उन्होंने कथा राम की कही, तो 8वां दिन चल रहा था, तब कथाकार ने श्रोताओं को ये कहा कि हमारे आयोजकों का की इच्छा है कि आप सभी जितने श्रोतागण हैं सबको मूर्ति दी जाए, तो कितनी लॉजिस्टिकली कितनी मूर्ति लानी है, कल कल 9वां दिन है, अंतिम दिन है, तो इसलिए जीसस वी वांट अ हेड काउंट, कितने लोग हैं जो राम की मूर्ति चाहते हैं, तो सब ने हाथ उठाया कि हम चाहते हैं, उनका एवरीथिंग वाज काउंटेड। बोला कि ऐसा है कि रावण की भी मूर्ति है, और कितने लोग हैं जो रावण की मूर्ति चाहते हैं, तो कोई हाथ नहीं ऊंचा हुआ, सबको राम की ही मूर्ति चाहिए। फिर देयर वाज अ कैवियट, कथाकार ने ये कहा कि आयोजकों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो राम की मूर्ति होगी वो कास्ट की होगी, लकड़ी की होगी, और रावण की मूर्ति जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की होगी। अब बताइए कि किसको राम चाहिए और किसको रावण चाहिए। तो वी गेट डिसवेडेड, वी गेट स्वेड बाय प्रेयर एंड वी लीव श्रेय। सो ये जो उपनिषद है, ये जो कठोपनिषद है, ये कठोपनिषद इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये कथा के बैकग्राउंड में ये उपनिषद चलता है, इसलिए कथा प्लस उपनिषद, जब आप संधि करेंगे संस्कृत में तो कठोपनिषद हो जाता है, और उसी का अपभ्रंश होके वो कठोपनिषद हो गया। उपनिषद क्या है, उपनिषद के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है उपासना, गुरु के पास बैठकर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा अर्थ है अध्ययन करना, इसके गुरु के नीचे बैठकर उनके संरक्षण में स्वाध्याय करना। तीसरा उपनिषद का अर्थ है रहस्य, इसके रहस्य ब्रह्म के रहस्य, आत्मा के रहस्य। जगतगुरु शंकराचार्य का भाष्य अगर पढ़ेंगे उपनिषद पर, तो उन्होंने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है उप और मी, तो ये उपसर्ग हो गए, प्रिफिक्स हो गए, और जो रूट वर्ड है, जो धातु है, वो है सद। सद धातु का अर्थ, सद का अर्थ क्या होता है, सद का अर्थ होता है गति। किसकी ओर गति, ब्रह्म की ओर गति, आत्मा की ओर गति। सद का एक और अर्थ होता है, सद का अर्थ होता है विनाश। किसका विनाश, सांसारिक अविद्या का विनाश। और सद का एक और अर्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण किसका शिथिलीकरण, मन एवं इंद्रियों का शिथिलीकरण, ओवरकमिंग द इम्पल्सिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। उपनिषद जो है ये गुरु के निकट बैठकर उत्कृष्ट जागृत जागृत प्राप्ति वरान, गुरु के पास बैठकर निबोध होता, आत्मबोध प्राप्त कर। हम सबको, मैं आगे तीसरे वरदान पे जो आत्मतत्व ब्रह्म ज्ञान यमराज देते हैं नचिकेत को, उस पे आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं द्वितीय वरदान पे, जो सेकंड बून मांगा, उस पे एक भार देना चाहूँ, बिकॉज इट इज वेरी रेलेवेंट इन दीज कोविड टाइम्स, इन दीज टाइम्स दैट वी आर लिविंग, व्हेन वी आर वरीड अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस, द पोल्यूशन, जो इतना प्रदूषण हुआ है वातावरण का, वी आर वरीड अबाउट दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट, वातावरण का प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, तब जो नचिकेता का जो सेकंड वरदान है, जो द्वितीय वरदान है, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या, वह दैट वी मस्ट इनकॉर्पोरेट इन आर डेली लाइफ। यज्ञ को हम अपने दैनंदिन जीवन में, डेली रूटीन में हम उसको, क्योंकि यज्ञ से क्या है, यज्ञ से हम आज, यज्ञ से जो पर्यावरण संरक्षण होता है, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से पर्जन्य होता है, प्राणवान वर्षा होती है, यज्ञ से बैक्टीरिया घटते हैं, यज्ञ से वायरस घटते हैं, यज्ञ से फंगस घटते हैं। तो यज्ञ का जो विज्ञान है वो आज, इट इज वेरी रेयर, हम भूल गए उसे, इसलिए प्रकृति हैज फोर्स्ड अस टू बिकम टू यू नो वी अपीयर एज क्रिमिनल्स। क्रिमिनल होता है वो, उसको मुंह ढकना पड़ता है, हमने देखा है टीवी में, आप देखेंगे जो क्रिमिनल होता है पुलिस के वैन से नीचे उतर रहा है तो उसका मुंह ढका हुआ होता है। वी आर ऑल्सो फोर्स टू कवर आवर फेस।
we have been forced by nature to cover our face. Why? Because we have forgotten Jnana. हम उस अग्नि विज्ञान को भूल गए, उस यज्ञ के विज्ञान को भूल गए. आज हमें उस यज्ञ को नित्य प्रति अपने दैनिक जीवन में उसका समावेश करना अति आवश्यक हो गया. दीज आर द टाइम्स व्हेन वी विल बी फोर्स्ड टू डू यज्ञ अपनी हो. सो ये एक सीख हमें कठोपनिषद से लेनी चाहिए, द्वितीय वरदान से लेनी चाहिए जो नचिकेता ने भगवान यमराज से मांगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये जो तृतीय वरदान जो उन्होंने दिया है यमराज ने नचिकेता को, उसको वी विल डेवलप ऑन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये है कि आत्मज्ञान जो मांगते हैं, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्मज्ञान क्या है. पहला यमराज जी कहते हैं कि आत्मज्ञान दुर्लभ क्यों है, व्हाई इट इज अ गूढ़ अ सूक्ष्म और कठिन विज्ञान. सहज विषय नहीं है ये, असहज विषय है. उसके बारे में करते हुए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए भगवान यमराज नचिकेत को कहते हैं कि बेटा ये ऐसा है विषय है जिसमें अधिकांश लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है. उनके घर में वैसे संस्कार नहीं होते हैं और अधिकांश लोग लौकिक क्रिया में, सोने बैठने उठने खाने पीने में ही लगे रहते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं और समय, जीवन का समय निकल जाता है. उनके घर में वैसे संस्कार नहीं होते, उनकी रुचि, उनकी संगति, उनके संस्कार आत्मज्ञान प्राप्ति के दिशा में जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, सत्संगत नहीं होती, उनके पास सत्संग नहीं होता है. सत्संग इज अ वाइटल थिंग. आप गलत संगत में पड़ जाते हैं तब आप प्रे मार्ग पर चलने लगते हैं, श्रेय मार्ग से दूर हो जाते हैं. इसलिए आप भगवान से कभी वरदान मांगे तो आप सत्संग का वरदान मांगे. भगवान शंकर ने भगवान राम से क्या मांगा था, बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति. भक्ति तो आप दीजिए ही, सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, सदा मुझे सत्संग मिलता रहे ऐसा वरदान. तो अधिकांश लोग तो श्रवणाय, यमराज कहते हैं श्रवणाय अपि बहुभी न लभ्य, सुनने को भी नहीं मिलता है अनेक लोगों को ये आत्मज्ञान. दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनको सुनने को तो मिलता है लेकिन उनके समझ में नहीं आता, और थोड़ी बहुत समझ में भी आता है तो उनको उनको उसमें रुचि नहीं होती. दे फाइंड इट अ वेस्ट ऑफ टाइम और बोरिंग, उन्हें अरुचिकर लगता है, नीरस लगता है. रादर देन डूइंग अंडरस्टैंडिंग आत्मज्ञान, इस ऋषि के धरोहर को समझने की बजाय दे वुड लव टू गो टू ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, वॉच मूवी ऑन द नेटफ्लिक्स, फेसबुक पे जाएंगे और इंस्टाग्राम पे जाएंगे और दे वुड डू ऑल सच थिंग्स rather than feel to go through this rishiyon ki tarah. So shruvanantah api bahavah yam na vidhu, sunkar bhi wo samajh nahi pate, sunkar bhi unko usme ruchi nahi hoti, dekhi bore. So aise dusre category ke log ho, aur kisi category ke log wo hain, most importantly is category mein hum sabhi aate hain ki hum sunte hain, हमें अच्छा भी लगता है लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते, हम ऐसा वैसा आचरण नहीं कर पाते. यमराज कहते हैं कुशलानुशिष्टा ज्ञाता आश्चर्य. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, ये जो है ये दुर्लभ तो है ही, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हम समझते हैं, जानते हैं लेकिन हम उस पर आचरण नहीं कर पाते, उसका उस पर अमल नहीं करते. क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि जो है वो तर्कात्मक, इट गिव्स रीजंस, और ब्रह्म या आत्मा जो है इट इज बियॉन्ड रीजन, इट इज बियॉन्ड लॉजिक. आप उसको ये भी कह सकते हैं कि गॉड इज इलॉजिकल, गॉड इज इरेशनल.
क्योंकि ये मस्तिष्क का नहीं, ये तो हृदय का विषय, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय। भगवान यमराज कहते हैं, बिलीव इन गॉड एंड जस्ट लव गॉड, डोंट हैव रीजंस, डोंट ट्राई टू बी रैशनल, डोंट गिव लॉजिक, यू कांट डिफाइन गॉड, इट विल बी अ लाफेबल अटेम्प्ट टू ट्राइंग टू कन्फाइन लिमिटलेस इन टू द लिमिटेड कन्फाइंस ऑफ आर इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट। कुशलानो शिष्टा ज्ञाता आश्चर्य। सो इट इज डिफिकल्ट। यो इंद्रियातीत विषय, इंद्रियातीत विषय है, और उसको क्योंकि हम जितने भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और ईश्वर जो है वो इंद्रियातीत विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इससे अतीत है वो। ये परब्रह्म की विशेषता बताते हुए यमराज कहते हैं, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम अरसम अगंधवत नित्यम अनंतम ध्रुवम अनादि। ये परब्रह्म की विशेषता है, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ आवर सेंसेस। यमराज ये कहते हैं कि हमारी इंद्रियों का बहिर्मुखी होना ही ब्रह्म प्राप्ति की सबसे बड़ी बात है। बाहर की ओर हम देखते हैं, बाहर हैं, सुनते हैं, बाहर की वस्तुएं, स्पर्श बाहर की वस्तु करते हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, और जब तक ये इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी तब तक ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है हमारे इंद्रियों का बहिर्मुखी। तो ये यमराज ने ये आत्मतत्व क्यों मुश्किल है उसके बारे में बताया। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो है कि ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कठोपनिषद में, उन्होंने कहा, भगवान यम ने कहा, तम वे दूरदर्शम, दूरदर्शन नहीं दूरदर्शम, डिफिकल्ट टू सी, उनका दर्शन मुश्किल, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम। ये छह कैरेक्टरिस्टिक हैं भगवान के और ब्रह्म के, ब्रह्म की छह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, दुर्दर्शम, डिफिकल्ट टू सी। व्हाई? बिकॉज हमारी माया के सामने, हमारी आंख के सामने माया का पर्दा, देयर इज एन इल्यूजरी व्हील, एक पर्दा है हमारी आंख के सामने, किसका? माया का पर्दा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एकाम करन्ति ते। ईशावासी उपनिषद में भी बहुत सुंदर कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम प्रीतम, सत्य का मुख ढका हुआ है इससे, हिरण स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ। हम जब तक प्रेय ढूंढते रहेंगे तब तक श्रेय नहीं मिलेगा। और क्या इच्छा करता है साधक, क्या इच्छा करता है? तत्वम पोषण अपावेनम, हे पोषक आप उसको हटा दीजिए, किसको? हिरण्य हिरण्य पात्र को हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टये, तब मुझे सत्य का दर्शन हो। आपने देखा होगा कि आप जब भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, या श्रीनाथ जी जाते हैं, या द्वारका जाते हैं, या तिरुपति जाते हैं, या ठाकुर जी जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण का उनका श्रृंगार करते हैं पुजारी लोग, तब वो एक पर्दा लगा देते हैं, और दर्शन कब होता है? जब वो पर्दा हटता है तब दर्शन। तो ये दिस इज अ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक क्रिया है, सिंबॉलिक एक्ट। पर्दा हटाओ, वो तो पर्दा पुजारी ने हटाया, लेकिन आप माया का पर्दा हटाना, इसलिए वो दूरदर्शन इज डिफिकल्ट टू सी। अर्जुन को भी कहा था ना, दिव्यम ददामि ते, इस आंख से तो तुम देख नहीं सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, हृदय वाला चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग्यम ऐश्वर्यम। तो ये ही इज दूरदर्शन, डिफिकल्ट टू सी। दूसरा है गूढ़म, गूढ़म मतलब आसानी से, जो पकड़ में नहीं आता, इज इंद्रियातीत, मैंने जैसे आपको बताया, इज नॉट एक्सेसिबल टू एनी सेंस ऑफ इन, इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, इज नॉट एक्सेसिबल, आप उसको माप नहीं सकते। विनोबा भावे ने गीता प्रवचन में बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है, उन्होंने कहा है कि वो जब माँ अपने बच्चे के पीठ पे हाथ सहलाती है और लोरी गाती है उसको सुलाने के लिए,
तो कोई फिजिसिस्ट, कोई साइंटिस्ट अगर देखेगा तो वो ऐसा ही सोचेगा कि 2 किलो का हाथ एट द स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड बच्चे के पीठ पे टू एंड फ्रो घूम रहा है, लेकिन वो तो बच्चा ही जानता है और वो माँ ही जानती है उस वात्सल्य को और उस प्रेम को. बच्चे को जो आनंद है, कैन यू मेजर दैट आनंद? देयर इज नो पैरामीटर इन विच वी कैन मेजर दैट सुख. यू कैनॉट मेजर इट इन मीटर्स, यू कैनॉट मेजर इट इन किलोग्राम्स और लीटर. देयर इज नो यूनिट इन विच दिस कैन बी मेजर. वो गूढ़ है, वो जो प्रेम का भाव है, वो जो भक्ति का भाव है, वो जो वात्सल्य भाव है, बहुत इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फिजिकल पैराडाइम. तो ये इंद्रियातीत, इस ब्रह्म जो है इंद्रियातीत, तम दूरदर्शन गूढ़म. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनुप्रविष्टम. तो ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक. ही इज देयर एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति. और क्या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं संसार में. मई सर्वमिदं प्रोतम श्री मणिग्रहणि. अब गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में जो विराजमान है, तीनों लोकों में जो व्याप्त है, सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट. तुलसीदास ने कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र सम, वो तो सब जगह है. प्रेम ते प्रकट हो ही जाना, वो प्रेम, ही कैन बी सीन ओनली टू हार्ट, नॉट टू द माइंड. चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो भगवान यमराज ने बताया नचिकेता को, गुहा हितम सहवरेष्ठ, सर्वव्यापक तो है भगवान, परंतु विशेष रूप से वो हृदय में स्थित. ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन. हवा तो सब जगह है, लेकिन कार की टायर में हवा विशेष रूप से उपस्थित. ऑक्सीजन तो सारे वातावरण में है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर विशेष रूप से उपस्थित. ऐसे ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से. भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर में विशेष रूप, तीर्थस्थल में विशेष रूप से उपस्थित. तो वो गुहा हितम, वो हृदय में निवास करता है. अहम आत्मा गुणापेश सर्वभूताशय अस्थित, मैं हृदय में निवास करता हूँ. और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक जो भगवान यमराज ने नचिकेत को बताया, ब्रह्म का कैरेक्टरिस्टिक, ब्रह्म की विशेषता, वो है पुराणम, सनातन, सर्वकालिक, एवर प्रेजेंट. ही हैज बीन देयर ऑल द टाइम. सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और उन्हीं में विलीन है. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, अहम कृत्सनस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और संहार करता हूँ. विष्णु सहस्रनाम में बहुत सुंदर आता है, यतः सर्वभूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव योक्षये. जिसमें से युगागमे, युग की जब शुरुआत होती है, युग का प्रारंभ होता है, जिसमें से सारी सृष्टि का उत्पन्न होती है और युग के अंत में जिसमें समा जाती है, वही ब्रह्म. सर्वभूतानि पहुंचे सत्य ज्ञान के महामिका कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादो विषयम. कल्प के क्षय होने पर जो युग का अंत होता है, तब सब उसमें ही समा जाता है. वो सर्वकालिक है, एवर प्रेजेंट. इतना सब विस्तार से ब्रह्म की विशेषता बताने के बाद अंत में भगवान यमराज ने कहा, इतनी सारी तो मैंने विशेषता बता दी, लेकिन अगर शॉर्ट में तुम्हें बताऊं, इफ आई टेल यू द जिस्ट ऑफ ब्रह्म, प्रिसाइजली अगर मैं तुम्हें बताऊं, संक्षेप में बताऊं, संग्रह रूप से बताऊं, तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति. ओम, यह ओम जो है प्रणव है, यह ओमकार है, वही ब्रह्म. और आगे क्या कहते हैं, एक एव अक्षरम ब्रह्म, एक एव अक्षरम परम, यही ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म.
एतदेव अक्षरं ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत् एतत् आलम्बनं श्रेष्ठ एतत् आलम्बनं परम् एतत् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मध्ये देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ये नचिकेत यम संवाद है इवन बिफोर लॉर्ड कृष्णा साइन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कठोपनिषद से कई श्लोक वर्बेटिम उठा लिए जैसे ये ओम के बारे में कहा सर्वे वेदाय पद महामनंति वैसा ही कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति मिशन्ति यत् यत् यह वितरादा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ये जो ज्ञान है वो किसी कॉपी नो कॉपीराइट हमारी सनातन संस्कृति में देयर इज नो कॉपीराइट नो पेटेंट जो ज्ञान है वो सबके लिए पेटेंट और कॉपीराइट ये तो क्या है व्यापारीकरण है संकीर्णता है इट रिफ्लेक्ट्स आवर मीननेस आवर नैरो माइंडेडनेस ज्ञान है वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए ज्ञान है वो सबको परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी and there is no copyright on any of his books or any of his jnana. So Bhagavan Shri Krishna Gita mein kathopanishad ke kai verses shlok jo hai verbatim utha liye to ye Bhagavan Shri Krishna ne Gita mein ye bhi kaha pita aham asya jagato dhata mata pitamah vedyam pavitram omkaram bhiksham yadeve main hi pavitra omkar hu प्रणव सर्व वेदेश सारे वेदों में प्रणव ओम मैं ही तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि यमराज ने नचिकेत को ये कहा कि जो ओम है एतत एव अक्षरम ब्रह्म और एतत एव अक्षरम परम मतलब यही अक्षर जो है ओम ये ब्रह्म है पर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दो चीजें हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है पर ब्रह्म क्या है ब्रह्म है सगुण सगुण साकार ब्रह्म तो जब वो ही निर्गुण निराकार होता है तो होता है परम ब्रह्म इसमें तुलसीदास जी ने कहा है परम ब्रह्म क्या है बिनु पद चले सुनई बिनु उसका कोई आकार नहीं है लेकिन वो भी चलता है बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई बिनु जानी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी वक्ता बरजोगी तन बिनु स्पर्श नयन बिनु देख नयन नहीं है लेकिन फिर भी देखता है वो कितनी निर्गुण है निराकार है ध्यान बिनु वास अशेषा अस सब भांति अलौकिक रणी महिमा जास जाए नहीं पर वो पर ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या होता है ब्रह्म जब वो आकार है सगुण हो माया से उसको प्राप्त किया जा सकता है इस ब्रह्म को जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी में जाते हैं तब राजा जनक ने विश्वामित्र के साथ दोनों बालकों को देखा जिसको राम को और लक्ष्मण को धनुर्धारी में अब राजा जनक जो है वो योगी वैराग्यवान वो श्रेय मार्ग पर चलने वाले थे उनका मन जल्दी प्रेम मार्ग में फंसता नहीं माया में फंसता नहीं लेकिन उन्होंने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो उनका हृदय उनके प्रति आकर्षित होने ही गॉट अट्रैक्टेड टू दीज टू बॉयज राम एंड लक्ष्मण उन्होंने अनायास विश्वामित्र से पूछ लिया सुलभ नाथ सुंदर दो बालक बहुत सुंदर है मुनि कुल तिलक इंद्रकुल पालक ब्रह्म जो नेत निगम ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा उभय उभय भेष धरी की सोई आव इसको नेति नेति वेदों ने कहा है वो ब्रह्म क्या रूप लेके आया दो रूप लेके आया क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा कित होत दिन चंद्र क्योंकि मैं उनसे आकर्षित हो रहा हूँ सामान्य व्यक्ति से मैं आकर्षित नहीं हो रहा लेकिन वो ब्रह्म है इसलिए मैं आकर्षित हो रहा हूँ ब्रह्म जो है वो सगुण साकार होता है गायत्री चालीसा में भी गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है काम धेनु तुम सुर कर उठाए
तुम्हें काम धेनु हो, तुम्हें सूर्य पर मैंने कल्प वृक्ष दिखाया हो और निराकार की अद्भुत माया। अब निराकार पर ब्रह्म जो है साकार बन के माहिर कौन लायक है। भगवान शंकर ने भी रामचरित मानस में कोई बात नहीं है, माता माता पार्वती को राम अवतार में राम के प्रति कुछ संदेह हुआ था, तब नर का रूप कर राम मनुष्य जैसा आचरण कर रहे थे, तब माता पार्वती को उसका संदेह हुआ यही ब्रह्म है क्या। तो भगवान शंकर ने उन्हें समझाया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मूल पुराण बुद्ध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम वश सगुण सो हो। वह निराकार पर ब्रह्म, वह निराकार निर्गुण निराकार पर ब्रह्म भक्त के प्रेम के बस सगुण मिला, जैसे ही भगवान श्री राम। तो ये ब्रह्म की विशेषताएं और संक्षेप में ओम के बारे में कहकर उन्होंने बताया कि ओम ही पर ब्रह्म है और ओम ही ब्रह्म। आगे उन्होंने श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में बताया, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः, मनुष्य के सामने दो मार्ग आते हैं, एक श्रेय मार्ग आता है और प्रेय मार्ग। उसको अधिकांश मनुष्य जो है प्रेय मार्ग में फंस जाते हैं। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग होता क्या है, आप एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही सुंदर मॉडल राधारायण से, एक मॉडल बहुत सुंदर स्ट्रक्चर यमराज ने नचिकेता को दिया। उन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने एक एनाटॉमी बताई हमारा शरीर का विज्ञान। आप देखें एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि स्केलेटल सिस्टम, लीवर, हार्ट, ब्रेन, ये तो हमारी फिजिकल एनाटॉमी हुई, तो मेडिकल साइंस में हमको एनाटॉमी पाई जाती। हाँ, यमराज ने एक स्पिरिचुअल एनाटॉमी दी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एनाटॉमी, आध्यात्मिक संरचना मनुष्य की। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप उस चित्र का दर्शन करें मन ही मन, जिस चित्र में आप सभी ने देखा होगा, जिस चित्र में अर्जुन जो है रथ में सवार है, सारथी के रूप में कृष्ण विद्यमान है, कृष्ण भगवान के हाथ में लगाम है, रथ पे बैठे हुए हैं और 10 घोड़े रथ में जुटे हैं। ये आप अगर चित्र का दर्शन करें तो यही संरचना, दिस इज आवर स्पिरिचुअल एनाटॉमी, आध्यात्मिक एनाटॉमी हमारी, हमारे आध्यात्मिक संरचना ये। यमराज भगवान यमराज ने लॉर्ड लॉर्ड ऑफ डेथ सेज आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथिन यानी पैसेंजर, वो जो अर्जुन बैठा हुआ है, ही इज द पैसेंजर इन द चैरियट, उस रथ में ही इज द पैसेंजर, वो ही आत्मा, आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव, तो ये सारा रथ जो है वही रथ है, वही शरीर, शरीर रथमेव तू, बुद्धिम तू सारथिम, सारथी कौन है, वो बुद्धि, कृष्ण जो है वो बुद्धि। इस ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कृष्ण अर्जुन वाला रथ वाला, उसमें सारथी जो है वो बुद्धि, मन प्रग्रह में चढ़, और मन क्या है, लगाम, सारथी के हाथ में लगाम होता है, और इंद्रियाणि हयान आहो, और इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन से होते हैं, वो 10 घोड़े लगे हुए हैं रथ में, सेंस विषयान पेशी को चला। अब देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, सेंस ऑर्गन्स जो है वो दे ट्राई टू पुल इट इन देयर वे, सेंस ऑर्गन्स हैव देयर ओन एजेंडा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता, वो अपना हित साधना चाहता, तो बुद्धि जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर, वो हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है वो जानता। जीभ तो कहेगी कि हमें खाना है, जीभ तो कहेगी कि हमें बोलना है, आँख कहेगा कि हमें देखना है, लेकिन उस पर जो लगाम लगा हुआ है मन का, मन भी चाहता है गिरना, इट इज इजी टू फॉल, सब गिरना चाहते हैं, प्रे प्रे मार्ग पर ज़्यादा रुचिकर लगता है, प्रे मार्ग जो है ज़्यादा रुचिकर लगता है, पार्टी करना, जंक खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, नाचना, गप्पे लगाना, ये मन की तो इच्छा यही होती है, प्रेम मार्ग पर चलना वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वी हैव टू सी वेदर इट इज हितकारी और नॉट हितकारी।
अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हमारे हित में है, वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी नहीं है तो मन को शांत। दिस मन एंड इंद्रिया दे ट्राई टू टेक अस डाउन इन द परस्यूट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो हमें नीचे ले जाना चाहते। दे हैव दैट एनिमल इंस्टिंक्ट्स इन देम, दैट इज द एनिमल एस्पेक्ट ऑफ अस। एनिमल का मतलब होता है हिंदी में पशु, पशु मतलब जो बंधा हुआ है, पास से बंधा हुआ है, संस्कृत में कहते हैं पशु, क्योंकि वो बंधा हुआ है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से बंधा हुआ है। उसे अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छी चीज देखना अच्छा लगता है, नाच गान करना अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वो प्रे मार्ग, दे नीड ट्रेनिंग, उसको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये जो मैंने अर्जुन और कृष्ण के रथ वाला जो आपको पिक्चराइजेशन दिया, वो वास्तव में गायत्री मंत्र का मूल रूप। गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं, जो यो न, अर्जुन ने वही किया मूर्त रूप। ये केशव, ये लगाम जो है मेरे सर का लगाम, मैं आपके हाथ में सौंप, आप इसे सही मार, हमें भी वही करना पड़ेगा। अर्जुन की भांति अपना लगाम उस परम परमेश्वर को, उस परमात्मा को, परम ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, कृष्ण को देना, कि आप हमें सही हाथ में सौंपा। उस परम ब्रह्म के हाथ में जब हमारा मन और इंद्रियों का लगाम आएगा तो ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी सही रखते, श्रेय के मार्ग पर चलने लगे, कल्याणकारी वाले मार्ग पर चलने लगेगी। नहीं तो ये हमारी हमारी टेंडेंसी होती है, कल क्या होगा किसको होगा, ना सुना ना आपने, अभी जिंदगी का ले लो मजा, चार बाग सिद्धांत है ना, कि यावत जीवेत स्वम जीवेत ऋणम तत्वम जीवेत अस्मिभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम, तो कौन देखता है कि फिर आने वाले हैं। जब तक जियो, खुशी से जियो, आराम से जियो, मौज करो, मस्ती करो, दैट इज द प्रेम, दैट इज द एनिमल एस्पेक्ट ऑफ अस, वो हमारा पार्श्विक एस्पेक्ट, उसको वी हैव टू दैट प्रेम। तो जब उसको उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जब पार्श्विक वृत्ति हमारे अंदर आई तो उस पार्श्विक वृत्ति को हटाने के लिए ट्रेन आवर सेंसेस, ट्रेन आवर माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। और वो जब ट्रेन होता है उसी को कहते हैं तप। जैसे बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू नो शन, वैसे ही वंस यू डेवलप गुड हैबिट्स दे आर डिफिकल्ट टू, सो डेवलप गुड हैबिट्स, श्रेय मार्ग पर चलकर हमें ईश्वर को, ईश्वर प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग सेलेक्ट करना पड़ता। वो ईश्वर, ये हो गया श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। चौथा जो क्वेश्चन है वो ब्रह्म रहता कहाँ पर है, वेयर डज ही स्टे। उन्होंने कहा है अनोर अनियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, हृदय में, जैसे मैंने आपको बताया। और उसको कैसे मिलता है, धातु प्रसादात महिमान आत्मना, परमात्मा कृपा से ही परमात्मा की महिमा को आप प्राप्त करते हैं उसे। और उसे जान लेने के पश्चात उन्होंने कहा न ततो विजगुप्त से, जब आप परमात्मा को जान लेते हैं तब आप उसके पश्चात किसी की निंदा करना वो परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी। हाउ टू गेट हिम, उसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं ब्रह्म ज्ञान को, उन्होंने कहा उत्कृष्ट जागृत प्राप्तवान निदेश, आप जागिए, उठिए, जागिए और उस गुरु को प्राप्त कर, गुरु को फाइंड अ गुरु एंड वर्क अपॉन योर साइड, फाइंड अ गुरु एंड वर्क अपॉन योर साइड, आप साधना कीजिए, गुरु को प्राप्त कीजिए और साधना कीजिए। क्योंकि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे भया न बहुनाशु देन, ये कोई बहुत लेक्चर देने से या बहुत ज्ञान की बात सुनने से ये आत्मा मिलता नहीं है। यम एव एष वृणोते तेन लभ्य, गॉड सेलेक्ट, वो आत्मा ही सेलेक्ट करती है कि होम टू रिवील इट सेल्फ, देर इज नो रैंडम सेलेक्शन, ही आत्मा डिसाइड्स ऑन मेरिट। वो उसको पता लग जाएगा कि नाउ यू आर रेडी
एंड आत्मा विल रिवील इटसेल्फ टू यू. आपकी योग्यता, आपकी लायकात, आपकी काबिलियत, आपकी पात्रता, देन ओनली ही गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, अपना यथार्थ स्वरूप अभी प्रकट करते हैं. और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, पात्रता के रिक्वायरमेंट क्या है? शांत मन, संयमित इंद्रियां, चित्त वृत्ति अंतर्मुखी और शुद्ध आदि. ये चार जब चीजें, ये चार चीजें जब पात्रता में आ जाती हैं, शांत मन, इंद्रियां संयमित, अंतर्मुखी चित्त निवृत्ति, चित्त वृत्ति और शुद्ध आचरण, ये चार चीजें आ जाती हैं, तब गॉड डिसाइड्स कि नाउ ही इज एलिजिबल टू द रियल सेंस. तस्य एष आत्मा वृणते तनुकम स्वाम. तुलसीदास जी ने कहा है, सो जान ही जेहि देहि, जान तुम्ही हो जाए. तो वो आत्मा रिवील्स इटसेल्फ व्हेन ही डिसाइड्स यू आर एलिजिबल. और अंत में भगवान यमराज नचिकेतों को बताते हैं कि व्हाट इज परम गति, परम गति, परम पद. परम पद का अर्थ क्या है, कौन पाता है परम पद? जीवन मरण के इस चक्र से छुटकारा, वही परम पद, वही परम पद. तो कौन पाता है? यह तो विज्ञानवान भवति समनस्क सदा सुचित, तो विवेकशील है, संयचित है, पवित्र मन वाला है, और समनस्क माइंडफुलनेस, स्टेइंग इन द प्रेजेंट. हम अधिकतर क्या करते हैं, हम वी ड्वेल इन द पास्ट, अननेसेसरी थिंकिंग ऑफ द पास्ट, ड्वेलिंग ओवर द पास्ट, नंबर एक. नंबर दो, अननेसेसरी वरिंग अबाउट फ्यूचर, अननेसेसरी ड्वेलिंग ओवर द पास्ट, एंड नंबर टू, अननेसेसरी वरिंग अबाउट द फ्यूचर, चिंता. ये दो चीज में हमारी, हमारा हमारा मन है, ये दो चीज ही करता है. अब कभी देखिए, आप अपने मन के भावों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये यही करता है, अननेसेसरी थिंग्स ओवर द पास्ट और अननेसेसरी वरीज अबाउट द फ्यूचर. उसी को भगवान यमराज कहते हैं स मनस्क, स्टे इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, बट डोंट वरी, चिंता नहीं, चिंता नहीं. स मनस्क, जो ना विवेकशील है, बुद्धि से संपन्न है, मन रूपी लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग से पार होकर परम पद प्राप्त करता है. चर्म चक्रों से वह परम परब्रह्म दिखता नहीं है, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही. और भगवान यमराज कहते हैं, हृदा मनीषा मनसा विकृत, बार बार चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार ध्यान में ना, तो परम पद प्राप्त करने का तो अंतिम तरीका वो बताते हैं. वो बताते हैं कि सतम चैका हृदय से नाड़ियल तासाम मूर्धानाम अभिनिषिता एका तयो ऊर्धम आयन अमृतत्व विषंग अन्य उत्क्रमणे भवन्ति. हमारे अंदर देखिए, आप जब बालक पैदा होता है तो वो नाभि से अपने माता से कनेक्टेड है, नाभि से, नेवल से. तो सारा जो भूमि आपो अनघ वायु जो पंच धा तत्व है उसकी माँ से उसे मिलता है, नाभि के द्वारा. सो रई जो प्रकृति है वो नाभि से आती है. और आपने बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माथे पे यहाँ पे जैसे ब्रह्मरंध्र हम योग की भाषा में कहते हैं, वहाँ पे एंटीरियर फ्रंटा नले होती है, एक सॉफ्ट एरिया होता है जहाँ से योग विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर वहाँ से एंटर होता है. ईश्वर जो है परमात्मा है, हम हृदय में विराजमान है. वेयर डज ही इंटर? ही डज इंटर टू नाभि, ही एंटर्स टू ब्रह्मरंध्र. रंध्र मतलब छेद, ब्रह्म के लिए छेद. वेद में भगवान का नाम एक विद्रुति, विद्रुति का मतलब तो फाड़ के अंदर एंटर होता है, चीर के अंदर एंटर होता है. तो एंटीरियर फ्रंटा नले इज अ होल, जहाँ से ही एंटर बॉडी, हार्ट. तो भगवान यमराज कहते हैं सतम चैका हृदय से नाड़, हृदय की 101 नाड़ियाँ, तासाम मूर्धानाम अभिनिषिता एका, जो हृदय से जो 101 नाड़ियाँ निकलती हैं उसमें से एक नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी वो ब्रह्मरंध्र तक,
जब ब्रह्म तो हमारे इंटीरियर फ्रंटल लेयर से ब्रह्मरंध्र से जब एंटर होता है और जब उत्क्रमणे जब मतलब मरण काल में जब उसी पॉइंट से एग्जिट होता है तब वो जो साधक है वो परम पत्ता और जो अन्य नाड़ियों से अगर ब्रह्म निकलता है शरीर के अन्य नाड़ियों से तो नाना प्रकार के अनेक तो ये जो बातें परम पद की और परम गति की जो बात कही उसको मैं इन शॉर्ट बिकॉज टाइम इज लेस मैं आई वुड लाइक टू गिव यू अ टेक अवे मैसेज फ्रॉम दिस कठोपनिषद करस्पॉन्डेंस बिटवीन यम एंड नचिकेत. पहला मैसेज है वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू बिकम लायक हमें बनना है योग्य बनना है पात्रता हासिल so that he reveals himself. उसके लिए क्या करना पड़ेगा we have to shun prema and adopt shreya. We have to work on it. साधक अपनी साधना में लीन रहे improve upon your quality keep improving upon your quality and leave it to him. He will judge. He has no prejudice. वो न्यायकारी न्यायकारी है. He has the perfect and the strangest quality control. He will certify us and reveal himself. Yamai vayesh grinote tena lakta. Hamara kaam hai, we have to keep improving the quality. Leave prema mark chodiye, prema mark par chaliye, aur atma ko reveal himself. Number one. Number two, adversity mein nachiketa se sikhne se hai. Always look for opportunity. Number three, we must learn to die. ये बहुत ही क्रेजी इट साउंड्स वेरी क्रेजी एंड रूड बट डेथ इज द मोस्ट सर्टन थिंग इन आवर लाइफ एंड व्हेन यू नो डेथ यू नो वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड फॉर दैट अल्टीमेट मोमेंट. जैसा भगवान यमराज ने बताया कि परब्रह्म जिस हिसाब से द वे ही हैज लैंडेड थ्रू ब्रह्मरंध्र इनटू आवर हार्ट ही मस्ट टेक ऑफ सिमिलर वे ब्रह्मरंध्र से सूक्ष्मना नारी के द्वारा ब्रह्मरंध्र से उन्हें भाग निकलना. इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए. एंड एज लॉन्ग एज वी आर इन द रियल्म ऑफ द फिजिकल बॉडी हमें मृत्यु से डर लगता है. हमें आत्मस्थ शरीरस्थ नहीं हमें आत्मस्थ होना पड़े. और इस समय गीता का वो जो अल्टीमेट लेसन कहा है सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. वेदांत का ये सनातन उद्देश्य यही है क्या कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे ही जानने योग्य हैं. वेद्यम वे ही जानने योग्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं. परब्रह्म परमेश्वर हैं वे ही जानने योग्य हैं और वे निश्चय ही मिल गया. इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए इस पर हमारी आस्था होना चाहिए. आइए हम सब धैर्य के साथ स्वयं मार्ग अपनाते हुए उस परम तत्व को पाने हेतु अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते रहें और चलते रहें टिल ही रिवील समझ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. और इतना गूढ़ विषय जो है वो निश्चय ही समय सीमा में बांध करके उसको पूरा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो स्नैपशॉट आज आपने हमारे सामने दिया है वो निश्चय ही हमें प्रेरित करेगा कि हम इसको और गहराई के साथ बारीकी के साथ समझने का प्रयास करें और जो बिंदु हमें मिले हैं उनको हम निश्चय ही और एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे. प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहूँगा उन पे जो रेलिवेंट हैं आज के विषय से. आपने जैसा बताया कि उपनिषदों में कहानी के माध्यम से उपमाओं के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती है, जैसे यहाँ पे यम है और नचिकेता है. यदि इसी कहानी को आज के परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो मृत्यु से साक्षात्कार का क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब आदमी जब मृत्यु के भय से छूट जाए, जब उसको जीवन बंधन की मुक्ति का
की जो गुत्थी है वो सुलझ जाए। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दैनंदिन जीवन में आज के मृत्यु से साक्षात्कार का मतलब मृत्यु से उसको एक्सेप्ट कर लेना और ये मान लेना कि ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए हम कर्तव्य परायण होके अपना नित्य कर्म करते रहे। जी, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज दिया है। जब आप सुबह जागें तो नया जन्म, जब आप रात में सोएं तो आपकी मृत्यु, उस दिन के लिए आप मर गए। ये अभ्यास करते रहना, प्रतिदिन ये अभ्यास करना, सोते वक्त ये अभ्यास करना कि अब हम मृत्यु के शरण में जा रहे हैं, हम ब्रह्म के शरण में जा रहे हैं, ये अभ्यास करना सोते वक्त। जब आप जगें तो नया जीवन, नया जन्म। तो दिस इज अ वे इन विच वी कैन एक्सरसाइज एंड लर्न हाउ टू एक्सेप्ट दैट। जी, कठोपनिषद कहता है कि ट्रूथ इज बियॉन्ड ड्यूअलिटीज, तो ड्यूअलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और ये जो द्वैत का भाव है, क्योंकि वेदांत की फिलॉसफी ही अद्वैत पे फोकस करती है, तो द्वैत से कैसे निकला जाए एक निजी दैनिक जीवन पर्सपेक्टिव। वो श्रेय और प्रेय मार्ग है जो कठोपनिषद में दिया गया है, वो आप कैसे पता लगाए कि ये श्रेय है या ये प्रेय है, है ना? तो प्रेय, प्रेय कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो उसमें आप यू इवेल्युएट वेदर इट इज हितकारी, इज इट अल्टीमेटली बेनिफिशियल टू यू, इज इट कल्याणकारी, इफ इट इज नॉट इट इज प्रे, इफ इट इज हितकारी एंड इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल देन इट इज श्रेय। यू हैव टू इवेल्युएट, एक आपको मूल्यांकन उसका करना पड़ता है कि कोई भी वस्तु है वो आपके हितकारी है। जैसा आप आपका वजन ज्यादा है और आपको घी अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा तो लगता है, जीव को अच्छा लगता है, आपके मन को भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या अच्छा तो है लेकिन क्या वो आपके लिए हितकारी है? नहीं हितकारी है, तो दैट बिकम्स प्रे फॉर यू। तो यू हैव टू इवेल्युएट ईच थिंग ऑन दैट बेसिस। जी, हितकारी और कल्याणकारी, दैट इज द मापदंड ऑफ डिफाइनिंग वेदर इट इज प्रे और श्रेय। जी, आपने कहा और यम नचिकेता को कहते भी हैं कि तुम सुपात्र हो इसलिए मैं अब तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता हूँ। बहुत से लोग अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं और क्योंकि आजकल पहले के मुकाबले ये टेक्स्ट जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन जब थोड़ी सफलता हाथ नहीं लगती है तो निराश हो जाते हैं। तो पात्रता विकसित करने के लिए क्या किया जाए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंस बहुत आवश्यक है इस मार्ग पे, तो क्या किया जाए जिससे कि ये जो पथ है, अध्यात्म का जो पथ है और ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसके पथ पर कोई अडिग होकर लगा रहे। सबसे पहले आवश्यकता है गुरु होने की। उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वरान, आप एक गुरु को ढूंढिए। गुरु कोई भी हो सकता है, आप उस गुरु को ढूंढिए हु कीप्स, और उसके उसके जीवन चरित्र के आधार पर या उसके उसके आदेशों के आधार पर क्या आप अपना जीवन ढाल रहे हैं। यू हैव टू कीप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। इसने कहा है ना, कठोपनिषद में कहा है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत ही दुर्गम पथ है। यू हैव टू कीप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ एवरी मोमेंट। ये छुरे की धार के समान चलने के बराबर है। इट इज नॉट ईजी, इट इज लाइक एन एडवेंचर, एडवेंचर गिव्स यू थ्रिल। सो इसका भी एक थ्रिल है, आध्यात्म के मार्ग पर चलना भी एक थ्रिल है। एंजॉय दैट, यू हैव टू एंजॉय दैट थ्रिल। आप गिरेंगे, आप छुरे के धारे पे चलेंगे, धार पे चलेंगे तो आपको चोट भी लगेगी, कट भी जाएंगे आप, लेकिन फिर भी यू हैव टू कीप परसिवियरिंग। आपको धीरज के साथ उस पर चलते रहना है और उस गुरु के संरक्षण में, गुरु कीप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आध्यात्म मार्ग। दैट इज वाई, क्योंकि ही कीप्स इवेल्युएटिंग। आप उनके, अगर आप गुरु जीवित हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ही आपको समक्ष, आपके समक्ष आपको बताते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं जीवित हैं तो उनके जो आदेश हैं, उनके जो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो आपको दृष्टांत दिए हैं, उन्होंने जो समझाया है, उस पर उन मापदंडों पर इवेल्युएट योरसेल्फ।
keep evaluating yourself every day, every moment. It is not easy. It is for the brave hearts. Those are the real brave hearts who walk on this. जी, मृत्यु के संबंध में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछ देता हूं जो इन सबको समप करता है एक तरीके से. कठोपनिषद क्या ये कहता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और अगर ऐसा है तो मृत्यु के परे क्या है? हाँ नहीं, बट वो तो आप, मैंने आपको बताया ना कि मृत्यु के उपरांत जीवन तो है ही. वही तो उन्होंने कहा कि जो 101 नाड़ियां हैं उसमें से अगर आप कि ब्रह्मरंध्र से आपका आत्मा निकलती है, आपके प्राण निकलते हैं, तो आप तो तब तो आप परम पद को प्राप्त हो गए. अन्य नाड़ियों से आपके प्राण अगर निकलते हैं तब यू गो इनटू डिफरेंट यूनिट्स. तो वो तो परम वो पुनर्जन्म का तो सिद्धांत इसी से होता है, स्पष्ट हो जाता है कि आपको अनेक 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 योनियां मिल सकती हैं. जी, ओम आपने एक बहुत ही सुंदर वर्णन दिया कि अगर उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, असंभव है कि ब्रह्म को किसी कन्फाइन में लाकर के परिभाषित किया जा सके. तो ओम जो है प्रणव, जैसा कि आपने कहा कि ओम ही उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो एक प्रश्न इसके संदर्भ में आया है कि इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं अगर आपके अनुभव में कुछ ऐसा आया हो, या क्योंकि बहुत सी रिसर्च भी ओम शब्द के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हुई है, और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो ओम के बारे में एक एक वैज्ञानिक पक्ष से क्या मतलब समझा जाए? ओम जो है ये अनाहत शब्द है, अनाहत ये शब्द नहीं है, ये एक एक वाइब्रेशन भी क्या उसको कहें. कोई भी शब्द होता है वो दो चीजों के टकराने से बनता है. कोई भी शब्द है वो दो चीजों के टकराने से, जैसे हमारा स्वर, हमारी स्वर वोकल कॉर्ड्स में से जब हवा की एक एक स्ट्रीम निकलती है तो वोकल कॉर्ड किस तरह से फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उस हिसाब से हमारे मुख से शब्द निकलते हैं. ओम जो है उसको कहते हैं अनाहत, मतलब वेर देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देर इज नो कॉल्यूजन. आहत, आहत मतलब चोट, जब किसी चीज की किसी चीज पे चोट होती है तो शब्द निकलता है, लेकिन ये अनाहत है. ओम जो है अनाहत है. ओम आप बोलेंगे देर इज नो, किसी कोई चीज किसी चीज से टकराती नहीं है, कोई आहत नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती, और ये ओम शब्द निकलती है. और ओम जो निकलती है वो नाभि से निकलती है. आप देखेंगे जब आप बात करेंगे तो ओम जो है नाभि से निकल के हृदय से निकलते हुए आपके मस्तिष्क पर चलती है. तो ये ओम जो है, और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि ओम शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बॉडी में, वो बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं उनका उत्सर्जन घट जाता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, पल्स रेट. आप ये कोई भी ये करके देख सकता है, इट इज़ वेरी सिंपल. आप ओम का उच्चारण करें 15 मिनट तक, आप अपनी नाड़ी को, पल्स रेट को देखें उच्चारण करने से पहले, और 15 मिनट के बाद उच्चारण करने के बाद आप 15 मिनट के बाद आप फिर से अपनी नाड़ी की गति को देखें और ब्लड प्रेशर को देखें, यू विल फील अ ड्रास्टिक डिफरेंस. सो ये इट्स डेफिनेटली एंड मोर साइंटिफिक वैलिडेशन इज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड, बट इट इज बियॉन्ड डाउट कि ओम जो है ये हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे चित्त के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए, इट्स अ वेरी सूदिंग साउंड, वेरी सूदिंग साउंड. जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. लगभग कार्यक्रम की समाप्ति पे पहुंच चुके हैं, और आज आपने समय निकालकर इतने गूढ़ विषय को इतने एग्जांपल्स के साथ एक लेवल प्लेन पे आकर के हम सबके साथ इस विषय को साझा किया, और बहुत सी जो मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से मिसकंसीव नोशंस जो हैं वो क्लियर हुए, और ये भी क्लियर हुआ कि ये पथ दुर्गम जरूर है, लेकिन अगर कोई प्रयासरत रहे, इफ वन कीप्स ऑन ट्राइंग कॉन्स्टेंटली,
तो ब्रह्म की प्राप्ति भी संभव है। तो ये एक बहुत ही एक प्रेरणादायी हमको शिक्षा मिली है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह के विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आज के समय में बहुत आवश्यक है कि उपनिषद जैसा जो पिनेकल ऑफ नॉलेज है और इतना अथाह भंडार इसमें भरा हुआ है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का तो कायाकल्प कर ही सकता है, उसके अलावा जो इतनी मिस्ट्रीज हैं जीवन को लेके, सृष्टि को लेके, उनको भी सुलझाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से भाई साहब, और मैं यज्ञ विज्ञान पे ज्यादा भार देके आगे फिर से कोशिश करूंगा। जी जी, जितने भी श्रोतागण हैं, जो कोई भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो आत्मबोध और परम तत्व बोध की तो बात दूर की है, कम से कम स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या यज्ञ विज्ञान पर अभी काम करें, क्योंकि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस जो जो कोरोना का समय है, जो उथल पथल का समय है, जिस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें जो नचिकेता का जो दूसरा वरदान है, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, अग्नि का विज्ञान, दैट वी मस्ट परस्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंड इट इज वेरी रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। आत्मतत्व की बात तो मस्ट कीप डूइंग दैट, लेकिन जो दूसरा गुण है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू परस्यू। जी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए गायत्री परिवार ने जो ग्रह ग्रह यज्ञ ग्रह ग्रह गायत्री का जो अभियान चलाया है, उससे कई घरों में एक साथ यज्ञों की जो श्रृंखला चली है, एक व्यापक तौर पे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ी गई है, और इसके साथ ही हर दिन प्रतिदिन शाम को 6:20 से 6:30 पे हम सभी जहां कहीं भी होते हैं, एक साथ हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं एक समय पे 6:20 से 6:30, जिससे कि जी ये जो वैश्विक महामारी आई है इससे जल्दी छुटकारा मिले, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और कलेक्टिव प्रेयर्स के माध्यम से ही हमारी जो विशेष हैं, जो अच्छी वाइब्रेशंस हैं, वो लोगों तक पहुंच सकती हैं। तो ये एक व्यापक अभियान है यज्ञ का और गायत्री का, जो जैसा आप जानते हैं गायत्री परिवार ने चलाया है, और जो दूसरे वरदान की आपने बात की नचिकेता के, जो विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से ये और व्यापक बनेगा। वातावरण परिशोधन का एक एकमात्र सॉल्यूशन इज यज्ञ। जी, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अब शांति पाठ की तरफ हम चलते हैं और आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम प्रणाम, जय गुरुदेव, जय गुरु।